गर्मी की बहुत बुरी हाल है यहाँ पे भाई साहब, पानी वानी पी पी के भी हालत खराब है मेरा। गर्मियों के टाइम पे तो ये शहर अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। लोगों को पूछा भी था चाइनीज गाड़ी के ऊपर फीडबैक, इनके बहुत अच्छा नहीं है, चाहे ईवी हो कुछ भी हो वो ट्रस्ट नहीं करते। मैं आगे आपको हो ची मिन्ह सिटी में घूमने के लिए क्या क्या सब रहता है, उसके अलावा कितना खर्चा है, क्या ये इंडिया से महंगी है, क्या ये यूरोप से महंगी है, उसके बारे में सारे डिटेल में आपको बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। मैं अभी फिलहाल हूँ होटल में और मैंने अपने रेडीनेस हो चुका है मेरा सब कुछ ट्रिप के लिए। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है अप्रोक्स 32-33 है और ह्यूमिडिटी है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया ही है एक तरह से, इसके बहुत नजदीकी में समुन्दर है तो ऑब्वियस है यहाँ के मौसम जो कोस्टल एरिया से बिलोंग करता है वो तो यहाँ बहुत इजी फील करेगा, बट जो कोस्टल एरिया से नहीं है, जो नॉर्थ इंडिया से है या ठंडे इलाका से है, उसको बहुत इरिटेटिंग सा फील होगी यहाँ बाहर जाते ही। तो होटल में तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल है इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हकीकत में जब बाहर जाते हो दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा धूप है और आपको लू की तरह हवा फील होगी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। बट फिर भी हम आए हैं तो ऐसे नहीं कि टेम्परेचर की वजह से हम लोग रुक जाएंगे, तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लोर कराऊंगा इस वीडियो में सारे टूरिस्ट प्लेस। क्योंकि सबसे आसान है, किसी भी आप नए शहर में जाते हैं आपको आइडिया नहीं है तो सबसे बढ़िया है कि आपको वहाँ टूरिस्ट प्लेस पे जाइए और वहाँ पे जाके उनकी जो टूरिस्ट की जो सर्विस है, बस सर्विस है, वो सबसे मतलब वो उसको आप हायर करिए। थोड़ा सा पैसा लगेगा, कई बार महंगी होती है किसी सिटी में सस्ता रहता है, बट वो सबसे बेस्ट आइडिया है क्योंकि वो आपको सारे जो घूमने वाला एरिया है वो आपको लेके जाएगा। क्योंकि अपने से आप जाओगे टैक्सी करोगे, टैक्सी की डबल पैसा लगती है या जो भी है, उसके बाद आप सारे एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे, आपको पता भी नहीं होगा। और यहाँ पे हो ची मिन्ह सिटी में एक प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को अंग्रेजी भी नहीं आती है, इनको एक ही चीज आती है इनकी खुद की भाषा, तो इशारों पर बहुत सारे बातें होती है और बहुत सारे लोग मतलब मैंने देखा इंटरेक्ट करने की कोशिश करी तो इशारे में ही बात हुआ, क्योंकि इनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो ये चीज ध्यान रखिए। बाकी इनकी जो करेंसी है यहाँ पे वियतनाम डोंग चलती है, वियतनामी डोंग, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक वियतनामी डोंग जो है हमारा इंडिया की 330 रुपए, मतलब 300 गुना ज्यादा है, बट ऐसे नहीं कि यहाँ सस्ता है बहुत सारी चीज, तो उसी हिसाब से मतलब रेट भी इनकी बहुत ज्यादा हाई है। ऐसे नहीं कि इनके 300 गुना वो है तो आप सब कुछ सस्ते में खरीद लोगे खाना पीना भी, बट वो सारे इनकी हिसाब किताब सब लाखों में ही है, चाहे आप टैक्सी हायर करो, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जाओ, चाहे कोल्ड ड्रिंक पियो, कुछ भी करो, वो सब लाखों में ही होता है इनका करेंसी। पता नहीं है इतने जीरो क्यों लगा दिए, वो कम कर सकते थे, बट ठीक है, हम कोई नहीं होते इनकी करेंसी के ऊपर कमेंट करने के लिए, बट चीपर तो नहीं है, इंडिया जैसा ही है, आप ये समझ सकते हैं इंडिया जैसा ही खर्चा पड़ेगा आपको किसी एक इंडिया की डेवलप सिटी में। अगर आप मुंबई या दिल्ली इस जैसा सिटी में आप रहते हो तो फिर जहां उतना खर्चा लगता है ना, सेम यहां पे भी वही खर्चा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेवलप सिटी है और इंडस्ट्री भी है और बहुत सारे बिल्डिंग्स भी है, मैं देख रहा हूं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, हो सकता है चाइना की इन्फ्लुएंस होगा इनके पास, बट चलिए मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा तो ये सारे बातें डिटेल में करेंगे हम लोग, तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो पे। ये जो एरिया है ये इनकी सिटी सेंटर तरह की है, शाम को यहाँ पे लोग बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं, बीच में बहुत बड़ा स्पेस बना हुआ है, उस स्पेस में लोग बैठे रहते हैं, कोई गाना गाता है, कोई नाच करता है, तो यहाँ पे इनके लोकल लोग आके काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया हवा यहाँ रात को फ्लो होती है, खाने पीने स्ट्रीट फूड वगैरह यहाँ मिल जाती है, दिन में तो खाली है, खाली पड़ा है ये। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, आगे जाके मुझे हॉप ऑन हॉप ऑफ जो बस है वो सर्विस मिलेगी, यहीं से बन के चलती है आगे से, फिर यहीं ड्रॉप करता है।
पे स्कूटर ज्यादातर यामा या होंडा इनकी मिलती है, लोग ज्यादातर स्कूटर यूज करते हैं, मोटरसाइकिल भी नहीं। और गाड़ियों की जो है कार्स वगैरह है, मोस्टली ये लोग टोयोटा की यूज करते हैं। टोयोटा हो गया, हुंडई होगी, इनकी बस भी हुंडई की है। देखिए स्कूटर इनकी इस तरह से रहती है। ये बड़ा सा एक फाइव स्टार होटल है। मारुति सुजुकी भी मिल जाती है, अट्टिगा वगैरह यहाँ पे काफ़ी देखने को, टैक्सी में भी लगी हुई है। होंडा देखिए, तो मतलब ये मोस्टली जापनीज गाड़ी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, चाइनीज गाड़ी तो बहुत कम देखने को मिला यहाँ पे। लोगों को पूछा भी था चाइनीज गाड़ी के ऊपर, फीडबैक इनके बहुत अच्छा नहीं है, चाहे ईवी हो कुछ भी हो तो वो ट्रस्ट नहीं करते। मैं बढ़ रहा हूँ सिटी सेंटर की तरफ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 32 करीब है अभी इस टाइम। तो यहाँ पे एक चीज़ है, रोड की साइड पे ना जगह जगह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए मिल जाएगा, बट कोल्ड ड्रिंक ये जब देते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के साथ एक ग्लास में भर के आइस देते हैं, क्योंकि इनके पास तो फ्रीजर रहता नहीं है। तो ठंडा कोल्ड ड्रिंक अगर आपको पीना है तो आप उस आइस में डाल दो कोल्ड ड्रिंक को, फिर पीते रहो। वहाँ छोटे छोटे कुर्सी लगा हुआ है, वहाँ बैठ के आप ठंडे की मजा ले सकते हो गर्मियों में। इस शहर में एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजिटल डिस्प्ले को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग, हर जगह डिजिटल डिस्प्ले लगी हुई, बहुत बड़े बड़े डिजिटल डिस्प्ले लगी हुई है, फुल्ली एलईडी में एड वगैरह आती रहती है। रात को दिन के नज़ारे बहुत अच्छा रहता है, हर एक बिल्डिंग में मतलब इनकी एड वगैरह चलती रहती है डिजिटल डिस्प्ले की। इस तरह की इनके जूस कॉर्नर रहता है, फ्रेश जूस बना के रहते हैं ये लोग, आइसक्रीम वगैरह भी मिल जाती है यहाँ पे, एक तरह से आप कह सकते हो स्ट्रीट फूड टाइप का ही शॉप है। होप एंड पॉप जो बस है यहाँ पे साइट सीन के लिए, यहीं से मिल जाती है। ये कैथेड्रल है सामने, आप देख सकते हैं सेंटर में। यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिल रही थी, 299,000 BND उसमें 4 घंटे, 429,000 BND इसमें 24 घंटे, मतलब अभी जैसे ले रहे हो कल सुबह की इतने बजे टाइम तक रहेगा, मतलब सपोज आप 4 बजे ले रहे हो शाम को तो कल शाम को 4 बजे तक वैलिडिटी रहेगी, और ज़्यादा डेल्टा नहीं है तो बेटर है कि 429 लेके, मतलब 1500 रुपये की अप्रोक्स पड़ती है ये, तो ये लेने में फ़ायदा है। मैंने इसलिए ले लिया ताकि किसी भी एरिया पे आप जाओ घूमो फिरो, रात को भी आपको टूर करने को मिलेगा, दिन में भी टूर करने को मिलेगा, तो फ़ायदा है इसमें। मेरे पीछे ओपेरा हाउस है, यहाँ पे आप ओपेरा देख सकते हो। ओपेरा पता नहीं इंडिया में तो कल्चर है ही नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जा नहीं रहा हूँ, बट आप टिकट बाय कर सकते हो, इनकी शो की टाइमिंग है उसके हिसाब से आप ओपेरा देख सकते हो। ये देखिए भाई साहब, गर्मी इतना है यहाँ पे, हालत ख़राब हो रखी है, थोड़ी देर पैदल चला तो पसीना पसीना हो रखा हूँ मैं, तो गर्मियों के दिन में तो घूमना फ़ायदा नहीं है कुछ भी, हाइड्रेट होनी पड़ेगी अच्छे से। मैंने ले लिया टिकट, अब ये बस मेरे लिए 24 घंटे के लिए वैलिड है, दिन रात कभी भी किसी टाइम पे ये बस में जा सकता हूँ, उतर सकता हूँ। इस बस में ऊपर कवर है, बट आप कह सकते हो कि थोड़ा लाइट के लिए भी है, धूप आ रही है, और आगे बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल ओपन में बैठना है तो आगे आप बैठ सकते हो।
यहाँ एसी कंट्रोल्ड है, तो यहाँ पे आप एयर कंडीशन एरिया में बैठ के भी साइट सीन कर सकते हो। हर आधे घंटे में ये बस है, हर एक टूरिस्ट प्लेस से हर आधे घंटे में आपको मिलेगा। और ये बस जो है सुबह 8 बजे से लेके रात को शायद 10 बजे तक चलती है, तो आप 24 घंटे की फैसिलिटी उठा सकते हो। गर्मी की बहुत बुरी हाल है यहाँ पे भाई साहब। मैं अभी बस में हॉप ऑन कर चुका हूँ अभी ऑलरेडी, तो अभी पहले टूरिस्ट स्पॉट पे चलेंगे तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लोर कराऊंगा। अब वहाँ पे कितना खर्चा लगती है, अब तो ये तो बस होगी, तो आपको जैसे फॉर्मूला बताया था, जैसे मेरे को 429,000 पड़ी VND, तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, 30 को आप हटा दो, उसके बाद उसको 3 से डिवाइड कर दो। भाई साहब मेरा हालत देखो, पसीनों से चुटबुट हो गया हूँ मैं। 1400 की पड़ी 24 घंटे की टिकट इनकी, और ये तो नाम की जितने भी टूरिस्ट प्लेस है ये बस दिन में सारे रूट में कवर घूम के कवर करेगा। तो अच्छा है कि आपको कोई टाइम बाउंड नहीं है, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करिए, जहाँ पे नहीं लगता है आप जल्दी आके बस पकड़ लीजिए, बट हर आधे घंटे में ये बस है। वियतनाम की जो हिस्टोरिकल म्यूजियम है, सबसे पहला स्टॉपेज यहीं पे है, तो मैं उतर के जा रहा हूँ, अब उसको एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पे जू भी है, तो देखते हैं कैसे इनके मेंटेन कैसे करे हुए हैं। जू तो काफ़ी रखे हुए हैं इंडिया में भी। यहाँ पे जू के एंट्री के लिए काउंटर है, 60,000 VND आपको लगेगी, ये मतलब अप्रोक्स 160-170 रुपये टिकट लेने के बाद जाके आप एंट्री कर सकते हो वहाँ पे। अभी देखते हैं जू में क्या सब है। ये मेरा टिकट है, ऐसे QR कोड से बनी हुई है। We'll be right back.
इस तरह की टॉय बस या ट्रेन कह लो है, तो ये ट्रैक्टर जो लोग चल के थक जाते हैं उनके लिए बना हुआ है, यहाँ से बैठ बैठ के चलेंगे। इसकी भी हालत गर्मी से ख़राब है, देखो उठ गया। अब चलो लंच टाइम हो रखा है ना, इसलिए स्ट्रिच भर भर के है। ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटे पानी बोतल ली, ये मेरे को 40 रुपए करीब पड़ गई। पानी यहाँ महंगा है भाई, 12,000 डोंग पड़ी, तो मतलब अप्रोक्स 39 रुपीज है, बहुत महंगी है पानी। तो और रेप्टाइल्स उनके वहां चलते हैं देखते हैं। गर्मी की हालत देख सकते हो, मेरे शकल से आपको पता लग रहा होगा, पानी वानी पी पी के भी हालत ख़राब है मेरा। गर्मियों के टाइम पे तो ये शहर अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। अभी मैं बस की इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी स्टॉप नंबर 5 पे मैं था, पीछे जू था और इधर वाले इनकी हिस्टोरिकल म्यूजियम है। म्यूजियम तो गया नहीं, जू घूम के आया। जू में काफ़ी सारे मतलब एनिमल्स रखे हुए हैं और अच्छे मेंटेन करे हुए हैं, बहुत ग्रीनरी है, तो वो देखने के लायक है। अब इनके बाद मैं जाऊंगा वार म्यूजियम, इनके वहाँ एक वार म्यूजियम है, तो उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। 2 बजे करीब बस आएगी, तो अभी 10 मिनट और रह गया है, तो ये स्टॉप में मेरे को इंतज़ार करना पड़ रहा है अभी।